वरुणदेवाय नमः। ओम वरुणदेवाय। समझ गए कि कौ हो सकता है, जेखर के लोग ऐसे न माने। बताओ ना निखिल, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम चलो तो सही, पहुंच के खुद देखना। ये तो सच में बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ जानवी, पूरे गांव में मुझे ये जगह बहुत पसंद है। बचपन में अक्सर मैं यहाँ आके बैठा करता था। मन करता है सारा वक्त तुम्हें सिर्फ और सिर्फ देखता रहूं, तुम्हारी तारीफ करता रहूं। निखिल, निखिल मुझे कुछ तुम्हें जानवी, मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे के पास रहकर ये पल खामोशी के साथ बिताएं। बड़ी बहू, बड़ी बहू। क्या हो पिताजी? हम बड़ी बहू को बुलाए थे, कहाँ है वो? कहाँ है? सुमन, जी पिताजी। देख बड़ी बहू, सच सच बता, कौ आया था जे कमरे में? कौ खोला जे कमरे का दरवाजा? हम मना किए थे ना कि जे कमरे में जाना तो दूर, जे कमरे की ओर नजर उठा के भी कोई ना देखे। तो कौन आया अंदर? कौन है पिताजी? यहाँ कौन आएगा? तो जे का है, किवाड़ के तहरी पर मिला हमें, किसका है? कोई जवाब नहीं तुम्हारे पास, देख तू जे घर की बड़ी बहू है, तुम्हारे फर्ज है ये देखना कि जे घर का हर आदमी हमारे बनाए कायदे कानून को ठीक तरह से निभाए, और जो ना निभाए उसकी सजा भी तुम्हें मिले। जा, चबूतरे के 108 परिक्रमा कर, और वो भी नंगे पैर। लेकिन
लेकिन बस फैसला हो गया बड़े, जे बड़ी बहू को निभाना होगा किसी भी कीमत पर। ओम शनि देवाय नमः, ओम वरुण देवाय नमः। माँ, अब जब गौरी और आकाश वापस आए हैं तो मैं सोच रही थी कि उनसे मिलाऊंगी। ठीक है, मैं देखती हूँ। कौन? रोहन? कैसा लग रहा हूं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, सपना सा लग रहा। तुम्हारे इसी सपने को हकीकत में बदलने आया हूं मैं। क्या मतलब? मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं लक्ष्मी। अब सारी बातें यहीं खड़ी होकर करोगी या अंदर भी बुलाओगी? रोहन, सबसे मिल लिए, अब इससे मिलो। ये है हमारी बेटी सुहानी। माँ जी, बा, अभी तक आप लोगों ने लक्ष्मी का बहुत ख्याल रखा, पर अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझूं। मैं लक्ष्मी और सुहानी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। आप लोग लक्ष्मी की फिक्र मत करें, मैं उसका ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखूंगा। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उसकी बेटी अपने पति के साथ हंसी खुशी अपने ससुराल जा रही है। भगवान से यही दुआ करूंगी कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? वो पिताजी को पता चल गया कि कल वो कमरा माँ को गया था। वहां उन्हें को की पायल मिली है।
इसीलिए पिताजी ने हमें ये सजा दी है। हम ही घर को बड़ी बहू है और हमारी जिम्मेदारी थी कि पिताजी के नियम और कानून की पालना करें। हमें ये जिम्मेदारी ना निभा पाए इसीलिए पिताजी ने हमें ये सजा दी है कि हम चबूतरे की 108 परिक्रमा करें। लेकिन भाभी, आप सजा क्यों भुगतेंगे? आपने थोड़ी ना कुछ किया है। नहीं दुल्हन, जे घर में कोई भी गलती करे पर सजा हमें को मिलेगी और हम जे सजा भुगतने को तैयार हैं। काहे कि हमें भी नहीं पता कि उपाय को की है। भाभी, वो पायल मेरी है। हाँ भाभी, उस कमरे के अंदर मैं गई थी। जानवी, तुम उस कोठरी में क्यों गई? क्योंकि मैं उस कमरे के अंदर देखना चाहती थी सिर्फ एक बार। मुझे नहीं पता था कि पिताजी इस तरह। तुम्हें नहीं मालूम था? तुम जानती हो पिताजी का गुस्सा कैसा है? से गलती हो गई निकी, पर मैं अपनी गलती की सजा भाभी को भुगतने नहीं दूंगी। मैं पिताजी को अभी जाके सारी बात बता दूंगी, सारी की सारी सच्चाई बता दूंगी कि वो पायल मेरी थी और मैंने वो दरवाजा खोला था। नहीं दुल्हन, रुक जाओ, नहीं दुल्हन, वरना अनर्थ हो जा। जानवी रुको, जानवी रुक जाओ। हमेशा खुश रहो, फोन करते रहना। चले हो क्या? दिखाई नहीं देता मैं काम कर रहा हूँ? मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल मैं। जब तुम कोई काम ठीक से कर नहीं सकती तो फिर करती क्यों? हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने मत आया कर, फिर ये पतिव्रता पत्नी बनने का नाटक क्यों करती हो तुम? अगर तुम ये सब ड्रामा नहीं करोगी ना, तब भी तुम इस घर में रह सकती हो। तो मेहरबानी करके ये सब करना बंद करो, समझी तुम? देखिए, तो सब सरस्वती दीदी, आइए ना। कैसे हो आकाश? मैं ठीक हूँ। गौरी, तुम दीदी को बिठाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। मैं अभी आया। क्या बात है गौरी, तेरी आंखों में आंसू?
आकाश ने कुछ कहा क्या? नहीं दीदी, वो उनके इम्पोर्टेंट पेपर्स थे ना, तो उस पर चाय गिर गई थी। मैं बहुत डर गई थी, आकाश तो मुझे समझा रहे थे। तेरी बचपन की आदत अभी तक नहीं गई ना, छोटी छोटी गलतियां करती है और फिर रो देती है। आप खड़ी क्यों दीदी, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। पिताजी, भूरा ने सत्तों के खेत से अनाज चुराओ है, अभी की सजा का फैसला आप ही करो। भरी पंचायत के सामने 10 कौड़े और 10 महीना सत्तू का खेत मां बिना मजूरी काम, जय भूरा की सजा। गलती हो गई, माफी दे दे हमको ठाकुर, बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। ठाकुर, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, आपसे एक विनती है, आप भाभी को सजा मत दीजिए। काहे? जब गलती की है तो सजा तो बराबर मिले। गलती भाभी ने नहीं, गलती मैंने की है। वो पायल भाभी की नहीं, मेरी थी। तो तुम्हारे पायल है वो। हम बोले थे कि वो कमरा में कोई नहीं जाएगा, मना किए थे, पर फिर भी तुम गए। देख नहीं दुल्हन, जे घर को हम सालों से अपने कायदा कानून से चला रहे, जे घर ईटा पत्थर के नींव बनाए, हमारे कायदा कानून के नींव पे खड़ा है। हवा भी चलती ना तो हमारे मर्जी से, और तू जब से आई है तब से अपनी मनमर्जी किए जा रही। लेकिन पिताजी, वो चुप रहे। हर जो मर्द अपने लुगाई को काबू में ना कर सके वो मर्द होता है। हमें तो शर्म आती है कि तुम हमारे बेटे हो। पहले तो मनमानी से प्यार रचा लिया, लुगाई लेकर आए हो वो भी अपनी मनमर्जी दिखा रही। सोचे थे कि शहर की मूड़ी है, आज नहीं तो कल हमारे गांव का कायदा कानून सीख जाएगी, पर नहीं। कोई बात नहीं, ये भूत भी हम ही उतारेंगे। पिताजी नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। छोटे, का शर्म लिहाज सब भूल गए हो शहर जाके? जानते नहीं, पिताजी के साथ जवान नहीं लड़ाना होता है, तब भी बोले जा रहे हो बीच में कब से? उनको कुछ कहे से पहले अपनी लुगाई को काबू में करो। बस
पानी मोड़ के ऊपर जा चुका, अब समझाए वाली बात ना रही। अरे बड़ी बहू ने बहुत कोशिश की इसको समझाने की, पर नतीजा कहाँ निकला? कुछ भी नहीं। आज से नई दुल्हन का पैर मां भेड़िया रहेगी।